Hey, what is up, day people? This program welcome to another video. तो यार क्या हाल है सबका? I hope सब बढ़िया होंगे। तो यार आज भी मेरे पास काफी सारा इंटरेस्टिंग अपडेट्स है गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड, तो यार वीडियो पूरा जरूर देखना। एंड सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेगल्टोस के बारे में। तो यार रेगल्टोस अपने स्ट्रीम पे कंफर्म करते हैं कि वो कॉम्पिटेटिव नहीं छोड़ रहे हैं एंड वो कॉम्पिटेटिव कंटिन्यू करने वाले हैं। Will you back in compi? Yes, guys, competitive हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, जिस चीज से हम हैं। So, compi की टेंशन आप मत लो, बाकी चीज की ले सकते हो। बट इस बार शायद रेगल्टोस BGIS नहीं खेलने वाले हैं, एंड इफ खेलेंगे भी तभी भी वो सोल की टीम से तो नहीं खेलेंगे, बट इफ दूसरे टीम से ऑफर मिलता है तो दूसरे टीम से खेलने वाले हैं। BGIS का सही बताओ तो नो आइडिया, मैं आई डोंट थिंक सो मैं BGIS खेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को आज पता चला उसका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट था, तो और कल पता चला मैं प्लेइंग फॉर्म में नहीं हूँ, तो शायद मैं नहीं खेलूँगा, या फिर किसी और कुछ होता है तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर इट। तो BGIS मेरे को जिधर मौका मिलेगा मैं उधर खेलूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था उसका आज वो लास्ट डेट है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। तो यार रिसेंटली स्काउट के स्ट्रीम पर गिल स्काउट को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं एंड भाई उनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी करते हैं, तो आज देखते हैं स्काउट कैसे रिएक्ट करते हैं इस पे। इसको इधर लेके आएंगे, प्रॉपर इसको गार्ड वार्ड पहनाएंगे, 5 मिनट मिलेगा दोनों को, जिसको जितना कूटना कूट, एक मुक्का सुबह से जितना खाया बाहर निकलेगा उल्टी। ये मेरा ठीक है, लड़ लेंगे तेरे से तो बन बन करने है। फिर मत बोले भाई जोर से, स्काउट पास होता स्काउट को तुम्हें पीट देता गया भाई ये गया जो रेज मूवमेंट था यार, मतलब यार पूरा का पूरा गुस्सा सब मॉनिटर पे उतर गया ना। एंड ऐसी कुछ रेज का मूवमेंट हम लोग को एक और बार देखने को मिला कैरी भाई के रीसेंट स्ट्रीम पे, जहाँ पे अपने स्ट्रीम पर क्रैप गेम खेलते हैं एंड भाई उधर पे उनका एक और रेज का मूवमेंट दिखता है एंड वो इस बार अपना गुस्सा निकालते हैं अपने कीबोर्ड पर। बट गाइस उसको देखने से पहले आ जाओ हम लोग थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। 8400400400 याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पे डाउटनेट का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट है उस सवाल के सिर्फ आपको फोटो खींचनी है, क्वेश्चन को क्रॉप कर लेना है एंड 5 सेकंड के अंदर आप लोग को उस क्वेश्चन का मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 ITJEE नीट CBSE बोर्ड एंड सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए एंड सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यार आज हम लोग कैरी भाई का वो रेज मोमेंट चेकआउट करते हैं। कोई तो मरा अरे तू दिया भाई यार क्या भरोसा ही नहीं है भाई मुझे। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल के बारे में। तो यार आप लोगों को याद ही होगा मॉडल नॉमिनेट हुए थे ईस्पोर्ट्स अवार्ड्स के स्ट्रीमर ऑफ द ईयर के लिए, एंड जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले ही निकल चुका था एंड उनके विनर थे इबाई। बट गाइस कल ही ईस्पोर्ट्स अवार्ड्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक और पोस्ट डलता है एंड वहां से हम लोग को यह पता चलता है कि भाई मॉडल रनर अप थे, यानी कि सेकंड पोजीशन में आते हैं ईस्पोर्ट्स के स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है एंड गाइस ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीमर्स इस चीज के लिए मॉडल को अप्रिशिएट किए एंड मॉडल को उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कांग्रेचुलेट किया। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉडलाइक के बारे में। तो WWCD के फाइनल्स में टीम गॉडलाइक का टोटल 16 किल्स के साथ चिकन डिनर निकलता है। फिनिश की बात की जाए तो यहां पे गॉडलाइक के जॉनसन की तरफ से सविताल को मैच से बाहर कर दिया गया, क्लच गॉड की तरफ से यहां पे अक्षय को यहां पे डाउन करते हैं और ग्रेनेड यहां पे मैक्सिस के ऊपर भारी पड़ते हैं। जोनाथन स्टिल अपने ग्रेनेड अनफोर के साथ रुकने का नाम नहीं ले रहे और ऑरेंज रॉक के वेक्सी सेक्सी को भी स्पॉट करते हैं मैच से बाहर कर देते हैं। फ्रैंकी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम गॉडलाइक चिकन निकाल सकते हैं बट फ्रैंकी ने प्ले जोन के बाहर से जॉनसन को नॉकआउट किया और उसके बाद जो कवर फायर चाहता
वो मिल गया। पर यहाँ पे टीम गॉडलाइक डोमिनेट करते हुए दिखी और सभी टीम्स को, एंड टोटल पूरा टीम 16 किल्स निकाले इस मैच में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अमन के बारे में। तो यार यहाँ पे अमन अपने स्ट्रीम पर बताते हैं कि भाई उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, एंड सभी स्लॉट्स जो पॉपुलर लोग है उन लोग को मिल रहा है, जबकि अमन के पास और ज्यादा अचीवमेंट्स है एज कम्पेयर टू कुछ लोग जिनको स्लॉट मिल चुका है ऑलरेडी। PMCO, PMPL, ESL इंडिया चैंप, ESL ग्लोबल, PEC और एक और कोई खेले थे अपन बाहर कंट्री में। या मेरे इतने सारे अचीवमेंट्स हैं तो आई थिंक आई डिजर्व सम स्लॉट एक्चुअली यार। प्लेयर्स जिसके पास जीरो अचीवमेंट्स है उनको स्लॉट मिल रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को ये समझ नहीं पड़ रही। इतने सारे अचीवमेंट लेने के बाद भी बुलाया मैंने वापस, पता नहीं क्यों। आई थिंक ओनली द पॉपुलर प्लेयर्स कैन गेट अ स्लॉट, ऐसा सीन है पूरा का। शुरुआत से ऐसे चलता है हर एक चीज़ में, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं आपको भी स्लॉट नहीं मिला। वैसे स्लॉट्स का क्या सीन है क्या नहीं इसके बारे में मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, आप लोगों को जो पता है भाई नीचे कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में। वैसे यार आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी टाइप का और भी इंटरेस्टिंग गेमिंग से रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड वो जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी इनेबल कर देना। एंड गाइस अभी अपने लोग ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो शाम को ड्रॉप करें, यानी कि शाम को 7 बजे, क्योंकि भाई अभी स्कूल्स कॉलेजेस एंड ऑल सब स्टार्ट हो चुका है, तो भाई सुबह को अपलोड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो यार आप लोगों को क्या करना है कि भाई आप लोगों को सब्सक्राइब के बगल वाला जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे जरूर से इनेबल कर देना, क्योंकि भाई उससे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना फिर आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एंड गाइस मेरा और भी चैनल्स है, जो कि व्लॉग का चैनल है एंड स्ट्रीमिंग चैनल भी है, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ उसे भी चेकआउट करो एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।